हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हम तोरण बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, दिवाली पास आ रही है। आप अपने घर के लिए खुद से तोरण बना के तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये तोरण की पट्टी बनाना सीखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम तोरण की लटकन बनाना सीखेंगे। और देखिए, हमने ऑरेंज और ग्रीन कलर से बनाया है। आप इसको किसी भी कलर में तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना काफ़ी आसान है। हमने बनाने के लिए 2 प्लाई की ऊन ली है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम, हम पहचान कहाँ कैसे करें ऊन की। ये देखिए, जिसमें ये 2 धागे लिपटे हुए हैं तो ये हमारी 2 प्लाई की ऊन कहलाती है। और अगर 3 धागे होते तो हमारी 3 प्लाई की ऊन कहलाती। तो इसी तरह से आप ऊन की पहचान कर सकते हैं। और हमने 3.0 mm का हुक लिया है, नंबर में 11 नंबर का हुक है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। चलिए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। लूप बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे 17 चैन बनानी है, 70। देखिए, धागा लेंगे और लूप में से निकाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हमारी 17 चैन बन गई। अब हमें ये 3 चैन स्किप करनी है, 17वीं चैन, 16वीं चैन और 15वीं चैन। इन 3 चैन को स्किप करेंगे, 1, 2, 3। और जो हमारी 14वीं चैन है उसमें हुक डालना है। पहले बल लेंगे हुक पे, फिर चैन के अंदर हुक डालेंगे, धागा पिक करना है। देखिए, 3 लूप है ये हमारे, 1, 2, 3। 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। और जो देखिए हमने 3 चैन स्किप करी है उसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करना है, और 1 हमने जो अभी बनाया वो 2 हो गए हमारे ये। अब हमें सभी चैन के अंदर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले हम हुक पे बल लेंगे, फिर चैन में हुक डालना है, धागा पिक करके लेके आना है। 3 में से हमें 2 लूप करने हैं, 2 में से 1 लूप करना है। बल लेंगे, चैन में हुक डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। देखिए, और इसी तरह से हम सभी चैन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशिया बना के हुए कंप्लीट कर लेंगे रो को। देखिए, हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है और हमारे टोटल 15 डबल क्रोशिया बने हैं। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेनी है, 1, 2, 3। अब हम इस तरह से पलट लेंगे, टर्न कर लेंगे। जो हम 3 चैन लेते हैं उसको डबल क्रोशिया काउंट करना है हमें हर बारी। बल लेंगे हुक पे, और जो हमारी दूसरी चैन है उसमें से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। सभी चैन के अंदर से हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 15 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे ये 15 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। कोई स्टिच हमें बढ़ानी नहीं है ना घटानी है। हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें 3 चैन लेनी है। देखिए, इस तरह से पलट लेंगे, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। दूसरे चैन के अंदर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से हम 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, और फ्रेंड्स, आप अपने डोर के अकॉर्डिंग ये पट्टी जितनी बड़ी करनी हो आप कर सकते हैं। मैं आपको बना के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी बना के तैयार कर ली है। मैंने 91 रो बनाई है। जो हम तोरण का डिजाइन डालेंगे लटकन का, उसमें डिजाइन बनाने के लिए मैंने 91 रो बनाई है। इस तरह से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करेंगे तो 91 बनानी है। और फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बॉर्डर बनाना बताती हूँ। देखिए, हमने 1 1 रो छोड़ के बॉर्डर का डिजाइन डाला है। देखिए, 1 रो छोड़ी, फिर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 रो छोड़ी, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 रो छोड़ेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट वाली रो में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक दो तीन। अब जो हमारी देखी, जो हमारी ये चैन जा रही है, तीन चैन थी हमारी ये पहली चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम एक चैन ले लेंगे ताकि हमारा खिंचाव ना आए जब हम कॉर्नर पे जाएंगे, तो एक चैन हमें लेनी है। और जो थ्री चैन है उसमें से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है तीसरी चैन के ऊपर से। और जो हमारी यहाँ पे जो चैन है उसमें से हमें हर चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, दूसरे चैन के अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ कॉर्नर तक आ जाएंगे। देखिए लास्ट वाली चैन के अंदर से बना देंगे, इधर की साइड की हमारी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हमें देखिए एक चैन लेनी है, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक चैन ली थी कॉर्नर पे आके। अब जो हमारी ये पहली रो है, ये देखिए ये पहली रो है, हमें चैन के अंदर से नहीं बनाना है, जो हमारा एक गैप है डबल क्रोशे के बाद वहां से हमें तीन डबल क्रोशे बनाने हैं। एक दो तीन। अब एक रो छोड़ेंगे। अब देखिए एक रो हम ये वाली छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली रो में हमें तीन डबल क्रोशे बनाने हैं। एक दो तीन। इसी तरह से एक रो फिर से हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली रो में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन। और इसी तरह से एक रो छोड़ते जाएंगे और एक रो में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। बस आपको ध्यान देना है ये हमें चैन के अंदर से नहीं बनाना है डबल क्रोशिया, जो हमारे ये डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस होता है वहां से बनाना है। और इसी तरह से देखिए हम बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट में आके इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए जो हमारा लास्ट वाला स्पेस है एक रो छोड़ देंगे, लास्ट में हमें पहले तीन डबल क्रोशे बना लेने हैं। एक दो तीन। अब हमें एक चैन लेनी है कॉर्नर पे आके। अब जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसकी थर्ड चैन में हुक को डालना है। अब हमें धागा नहीं लेना है हुक पे, खाली चैन में हुक को डालेंगे, धागा पिक करेंगे और पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। स्लिप चैन से इसे हमने ज्वाइन कर दिया और एक चैन लेके धागा कट करना है। देखिए हमारी तोरण पट्टी बनके तैयार हो गई है। और जो हमारे ये तीन तीन डबल क्रोशिया के सेट बने हैं ये हमारे 46 बनेंगे एक साइड पे। देखिए ये यहाँ तक 46 है, दोनों साइड हमारे 40-46 बनेंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी लटकन बनाना बताऊंगी मोतियों वाली। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।